So in this video, we are going to talk about the explanation of the play Twelfth Night. And the line is, if music be in the food of love, play on. So it is a very famous line from the play Twelfth Night by Shakespeare. And if you have studied literature, you must know. So, if music be the food of love, play on is the first line of the play Twelfth Night. तो प्ले ट्वेल्थ नाइट की जो है वेरी फर्स्ट लाइन है, ये ओपनिंग लाइन है. इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. इट इज स्पोकन बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले ऑर्सिनो. यह प्ले के प्रोटैगनिस्ट ऑर्सिनो के द्वारा बोला जाता है. ही इज़ द ड्यूक ऑफ इलीरिया, जो कि ड्यूक होता है इलीरिया का, हु इज़ वेरी पैशनेटेड अबाउट ओलिविया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली पसंद करता है ओलिविया को. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स कॉमेडी. शेक्सपियर की कॉमेडी से जो है बेस्ट नोन कोट है. कोट मीन्स स्टेटमेंट. द कोट रिवील्स सो मैनी थिंग्स अबाउट द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले ऑर्सिनो. यानी यह कैरेक्टर ऑर्सिनो के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है, रिवील करता है, हमारे सामने लाता है. इट सीम्स दैट ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. ऐसा लगता है कि वो म्यूज़िक का शौकीन है, फॉन्ड ऑफ है, बहुत ज़्यादा पसंद है उसे म्यूज़िक. ही थिंक्स दैट देर इज़ ओनली वन अल्टरनेटिव टू लव, दैट इज़ म्यूज़िक. उसे लगता है कि लव का एक ही अल्टरनेटिव हो सकता है, जो म्यूज़िक है. ही ऑल्सो आर्ग्यूज़ दैट इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस. और वो इस बात पर भी बहस करता है, या कह सकते हैं एग्री करता है वो, कि म्यूज़िक के ज़रिए हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं. फॉर ऑर्सिनो, ऑर्सिनो के लिए म्यूज़िक इज़ अ वेरी पावरफुल इक्विपमेंट. उसके लिए म्यूज़िक एक पावरफुल इक्विपमेंट की तरह है, एक औजार की तरह है. इट ऑल्सो डिक्लेयर्स द इंटेंसन ऑफ द ऑथर ऑफ द प्ले विलियम शेक्सपियर. यह विलियम शेक्सपियर के भी इंटेंसन को दर्शाता है. ऑल दो इट इज़ वेरी अनकॉमन इन एलिजाबेथन प्ले. और वैसे कहा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा और सामान्य बात है एलिजाबेथन प्लेज़ के लिए, क्योंकि ये खुद एक एलिजाबेथन प्ले है, यानी एलिजाबेथन एज में इसको लिखा गया है. येट फिर भी इट हैज़ बीन ब्यूटिफुली यूज्ड बाय द प्लेराइट. इसे प्लेराइट के द्वारा बहुत ही खूबसूरती से यूज़ किया गया है. देर इज़ अ वेरी कॉमन फिगर ऑफ स्पीच. अब जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें इसके क्वालिटी को बताना होगा, इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि एक यहाँ पर बहुत ही कॉमन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, दैट has been used here, extended metaphor. Yeah, you can say सिर्फ metaphor आप कह सकते हैं, एक ही बात हुई. extended metaphor क्योंकि यहाँ पर exaggerate किया गया है. it compares music to food. और यहाँ पर music को food से compare किया गया है. that is not genuine. after this, इसके बाद the character says, यानी इस line के बाद character कहता है, give me access of it that surfeiting the appetite may sicken and so die. और ये उसकी अगली दो लाइनें हैं जो कि इस पूरे लाइनों को पूरा करता है. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, मुझे एक्सेस दो इसका, बहुत ज़्यादा एबंडेंस जो इसका है, प्रचुरता बहुत ज़्यादा. तो आगे एक्सप्लेन किया गया है इसी को, इट सीम्स दैट द स्पीकर इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड. द स्पीकर इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन कोर्टशिप. वो कोर्टशिप में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. कोर्टशिप का मतलब शायद आप जान रहे हो कि जब हम मिलना जुलना जो होता है फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज. ही वॉन्ट्स एबंडेंस और एक्सेसिवनेस ऑफ लव. वो एबंडेंस चाहता है, एक्सेसिवनेस चाहता है लव का. ही विशेज सो, और ऐसा इसीलिए चाहता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लूज हीज एपेटाइट फॉर इट. उसकी जो इच्छा है, उसकी जो हंगर है, भूख है इसके लिए, वो ख़त्म हो जाए. द लाइन्स आर रिटन इन अ वेरी फिगरेटिव वे. लाइन को काफ़ी फिगरेटिव वे में लिखा गया है, यानी इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया गया है इसीलिए ऐसा कहा गया. इट डिस्क्राइब्स द इनर सिचुएशन ऑफ द कैरेक्टर. यह कैरेक्टर के इनर सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, बताता है. बाई यूजिंग मेटाफर, मेटाफर को यूज़ करके द ऑथर हैज ट्राइड, ऑथर ने कोशिश की है टू डिस्क्राइब ऑर्सिनोज लव सिक हार्ट. उसके जो लव सिक हार्ट है, उसके कंडीशन को, उसके सिचुएशन को बताने का प्रयास किया है. इट इज़ ऑल्सो एन एफर्ट टू इक्वलाइज म्यूजिक एंड लव. और यहाँ पर एक पोएट ने एक एफर्ट भी किया हुआ है. पोएट तो नहीं कह सकते, यहाँ पर प्ले राइट हम कहें तो ज़्यादा बेहतर है. यानी विलियम शेक्सपियर ने एक एफर्ट लगाया है अपना कि वो इक्वलाइज करें, यानी एक बराबरी का दर्जा दें म्यूजिक और लव को. इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स, यदि हम इन लाइनों की मीनिंग को समझने का प्रयास करें, तो वी गेट टू नो दैट द ऑर्सिनो, ऑर्सिनो इज सेइंग, ऑर्सिनो कह रहा है, इफ़ म्यूजिक फीड्स आवर डिज़ायर, यदि
संगीत हमारी इच्छाओं को कम करता है या फिर कह सकते हैं कि पूरा करता है लव के डिज़ायर को, देन प्ले ऑन, तो फिर इसे जारी रखो, म्यूजिशियन से वो कहता है, जो कि शायद फीस्ट होता है उसका नाम म्यूजिशियन का। प्ले सो मच म्यूजिक, और इतना ज़्यादा प्ले करो दैट ऑल माई डिज़ायर कम टू एन एंड, कि मेरी सारी इच्छाएँ खत्म हो जाएँ। सो वी कैन से दैट इट एक्सप्रेसिज द फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स सो ब्यूटिफुली, यह कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को या फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, दैट इट डज़ नॉट नीड एनी विजुअलाइजेशन, और इतने अच्छे से कि इसको कोई विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोटेड लाइन्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की मोस्ट कोटेड लाइन्स में से एक है। द लाइन्स आर ऑल्सो कैपेबल इनफ, और ये लाइनें जो हैं अपने आप में कैपेबल हैं टू डिस्क्राइब समवन्स लव फॉर म्यूजिक, किसी का प्रेम जो संगीत के प्रति होता है, संगीत के लिए, उसको अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करा है इन लाइनों ने। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू।